नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क पे हूँ मैं। और आज एक बहुत ही खास मेहमान हमारे स्वदेशी मेले का, अगर मैं मेहमान कहूँ तो गुस्ताखी होगी, ये मेहमान नहीं, ये वो शुरुआत करने वाले फाउंडर मेंबर रहे हैं स्वदेशी मेले का, कि जिसकी बदौलत मेरे आंकड़ों के अनुसार कम से कम 23 से 24 लाख लोगों तक रोजगार पहुँची है जब से मेले की शुरुआत हुई है। दूसरी बात कि इन्होंने सड़क परिवहन मंत्रालय में अपना बहुमूल्य योगदान दिया भारत सरकार के, और आज IIM नागपुर के ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं हमारे वैभव डांगे जी, जो देश के सुप्रसिद्ध समाज सेवी और माँ भारती के लाल, माँ भारती के रत्न। आज हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि जिस बात की शुरुआत आपने 20-21 साल पहले की, जिस पौधे को आपने 25-21 साल 22 साल पहले लगाया, आज वो बट वृक्ष का रूप ले चुका है और लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तन करने का एक साधन बना हुआ है, उस यात्रा में आप अपना अनुभव क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझसे बात करने के लिए। जैसा आपने कहा बिल्कुल सही बात है, मुझे जमशेदपुर आने के बाद याद आ रहा है, जब 2001 में पहली बार हमने मेला किया था तो यहाँ के एक छोटे से कार्यालय से हमने शुरुआत की। सब जगह घूमते थे, सबसे बात करते थे तो सब कहते थे स्वदेशी मेला, उसकी प्रासंगिकता, उस पर कई प्रकार के प्रश्न लोग उठाते थे कि क्या आज उसकी प्रासंगिकता है, कहाँ हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, कहाँ हमारे लोगों की सर्विसेज अच्छी है, ऐसे कई प्रकार के प्रश्न उठते थे। और आज लगभग 2 दशक हो गए और जमशेदपुर में लगातार मेला हो रहा है। पहले मेले में मुश्किल से 60-70 स्टॉल्स लगे थे और छोटे छोटे कारीगर आए थे बेचने के लिए, आज बड़े बड़े स्टॉल्स लगे हैं, 250 से ज़्यादा 300 से ज़्यादा स्टॉल लगे हैं। मैं देखा है किसी ने यहाँ बनाई हुई, जमशेदपुर में ही बनाई हुई एक इलेक्ट्रिकल साइकिल और इलेक्ट्रिकल स्कूटर यहाँ रखी हुई है। मुझे लगता है अगर 20 साल में हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो इससे ज़्यादा और उदाहरण की आवश्यकता नहीं है। सही मायने में स्वदेशी मेलों की भावना, आत्मनिर्भरता, ये केवल टेक्नोलॉजी में अमेरिका से या किसी बड़े देश से स्पर्धा करना नहीं है, तो हमारे देश का जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति है उसको अपने आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से सही मायने में आत्मनिर्भर बनाना, और मुझे लगता है वो सबसे बड़ा काम है। हो सकता है एक हाथ टेक्नोलॉजी में हम दुनिया से कहीं 2 कदम पीछे हो, उससे बहुत मुझे लगता है हमें समस्या नहीं है और उसका हमें विरोध भी नहीं है, वो टेक्नोलॉजी स्वीकारने में भी हमें विरोध नहीं है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं हमारे हर व्यक्ति को, हमारे देश के हर नागरिक को, हर महिला को, हर पुरुष को, हर युवा को, उसकी आत्मनिर्भरता यानी क्या, उसकी क्षमताओं के अनुरूप उसको अपनी अभिव्यक्ति का माहौल वहाँ उसे मिलना। अगर उसके पास कोई कारीगरी है तो उसको कारीगरी का माहौल मिलना, अगर उसके पास कोई अच्छी कला है तो कला का माहौल मिलना, अगर उसके पास अच्छी कोई टेक्नोलॉजी है तो उस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करके इस देश के समस्याओं के लिए, दुनिया के समस्याओं के लिए नया कोई सोल्यूशन देना, ये करने का मौका और उपलब्धता और वातावरण, ये मुझे लगता है सही मायने में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी है। और इस प्रकार के मेलों से उस दिशा में बहुत बड़ा, बहुत कारगर काम आज हुआ है, और इस प्रकार के आंदोलन, इस प्रकार की मूवमेंट इस देश में लगातार और बढ़ने की आवश्यकता है, चलने की आवश्यकता है। जैसे आपने देखा होगा इस साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाइना से दिवाली के समय आने वाले प्रोडक्ट्स पर बैन लगाने की आवश्यकता है, और इको फ्रेंडली की बात आज हम सब लोग कर रहे हैं। आज मुझे बताइए, आज हम प्लास्टिक के दियों के बजाय मिट्टी के दिए यूज़ करते हैं तो हमारा रिसाइकल रिड्यूस जो हम बात कर रहे हैं उससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है कि हम दिए यूज़ किए और उसके बाद में दोबारा उसकी मिट्टी बनी। तो हमारे देश में, दुनिया में मुझे लगता है इससे बड़ा रिसाइकल इकोनॉमी का, इससे बड़ा इको फ्रेंडली त्यौहार मनाने का शायद ही कोई दुनिया में उदाहरण होगा। जी बिल्कुल सरगन ठीक कहा कि प्रधानमंत्री जी जब हमारे कहते हैं कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारे भारत की जब होगी, तो मैं एक इकोनॉमी में एक गंभीर सांस लेकर 1 सेकंड सोच सकता हूं कि मैं कहीं पर स्टैंड करता हूं। और उस $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में वैभव जी का एक किया हुआ पहल बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, और ये वो उन युवाओं के लिए, उन भारत के उन सपूतों के लिए एक अपने आप में मिसाल है कि जो इस रास्ते पे चलकर हजारों युवाओं को, लाखों युवाओं को रोजगार देने का एक जरिया बनते हैं। तो मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि स्वदेशी हमारा प्रोडक्ट या स्वदेशी की खरीदारी हमारे देश में कितना जरूरत है, कितनी इसकी आवश्यकता है हमारे देश को संबल और सशक्त बनाने के लिए।
नहीं बिल्कुल है, और केवल हमारे देश में नहीं, आज दुनिया भर में, अमेरिका में आज मूवमेंट चल रही है बी अमेरिकन बाय अमेरिकन, और मुझे उससे विरोध नहीं है। मैं बहुत सम्मान के साथ कहता हूँ कि उनके देश की आवश्यकताओं के लिए भी उनके लोगों ने अपना उत्पादन, ठीक है, जहाँ तक संभव है हम अपने पास नज़दीक बनी हुई चीज़ें खरीदें। उसके कारण हमारे लोकल, हमारे स्थानिक इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को हम जिस प्रकार से एक मोमेंटम देते हैं, गति देते हैं, हमारा गांव अगर की इकोनॉमी बढ़ती है तो उसका लाभ मुझे होगा जी। आज जमशेदपुर की इकोनॉमी बढ़ती है तो आपके लिए, हर व्यक्ति के लिए, जमशेदपुर में कोई रेस्टोरेंट चलाने वाला है उसके लिए काम बढ़ेगा, जमशेदपुर में कोई सामान बनाने वाला है उसके लिए काम बढ़ेगा, जमशेदपुर में कोई टेलरिंग का काम करने वाला है उसके लिए काम बढ़ेगा, जमशेदपुर में कोई कटिंग करने वाला है उसके लिए काम बढ़ेगा। अब मुझे बताइए, ये सामान्य व्यक्ति को अगर रोज़गार बढ़ेगा, यहाँ की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, यहाँ पे इस प्रकार के कई प्रकार के आयोजन होंगे, तो उससे इस देश की इकोनॉमी में देश के सामान्य व्यक्ति को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। दिखने में बहुत छोटी चीज़ें हैं लेकिन हमारे देश के सामान्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर करने के लिए और आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए इस प्रकार के पहलों की बहुत बहुत आवश्यकता है। और मुझे लगता है ये पहल दिखने में बहुत छोटे हैं, बहुत लॉन्ग टर्म, लेकिन बहुत ही कारगर ऐसे ये पहल है। कई चीज़ों के बारे में हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हमारे देश में कोई बीमार है और उसके लिए दुनिया में कहीं अच्छी वैक्सीन बनती है तो हमें अपनानी पड़ेगी, उसमें हम शायद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे और नहीं भी करना चाहिए क्योंकि हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य की मुद्दा है। लेकिन जो चीज़ें हम अपने देश में बना सकते हैं, और सनातन का मतलब ही ये है, चिरत पुरातन नित्य नूतन, हम रोज़ रोज़ नई नई चीज़ों को उसमें जोड़ते जाए। आज जो हमारी शायद नहीं होगी किसी बारे में, 25 साल पहले, 50 साल पहले हमारे देश में नहीं बनता था। आज कार्यक्रम में मुझे लगता है कुणाल जी ने कहा कि जब कोरोना आया हमारे देश में पीपीई किट नहीं बनती थी, आज हम 50 देशों को पीपीई किट बना रहे। दुनिया ने कहा क्या बात कर रहे हो आप, कहाँ 150 करोड़ लोगों को वैक्सीन कर पाओगे। हमारे देश के कई लोगों ने कहा कि आपको 20 साल लगेंगे, 16 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे, और आज 2 साल में मैं खुद अनुभव किया हूँ, और मुझे लगता है हमारे विदेश मंत्री जी ने अपना अनुभव भी साझा किया था। हम, मेरे कई मित्र जो मेरे साथ पढ़ते थे और आज अमेरिका में रहते थे, वो जब इंडिया आए कोरोना के बाद में, तो उनको अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कागज़ पे जो मिला था उसको लैमिनेट करके लाना पड़ा, और हम कहीं भी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मोबाइल से दिखाते हैं। अब मुझे बताइए अमेरिका में आज वो कहाँ है और हम कहाँ हैं। आप सब ने अनुभव किया होगा, केवल मैंने अनुभव किया ऐसा नहीं। वैक्सीनेशन के लिए जैसे ही हमारा वैक्सीनेशन ड्यू होता था हमें मैसेज आता था, हम ऑनलाइन स्लॉट बुक करते थे, हम जाकर वैक्सीनेशन लगाने के बाद 15 मिनट के अंदर आपके पास मैसेज आता था कि आपकी वैक्सीनेशन पूरी हो गई, आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड करिए। मुझे बताइए इससे ज़्यादा एफिशिएंट और लोगों को सरलता और सुविधा देने वाली सिस्टम अगर हमारे देश में आज डेवलप हुई तो ये आत्मनिर्भरता की दृष्टि से कितना बड़ा कदम है। आज दुनिया वो मॉडल को देखने के लिए जा रही। ऐसे हर तरह से हमें अपनी समस्याओं को देखते हुए हमारी समस्याओं का समाधान हमें ढूंढना पड़ेगा। दूसरों के अनुभव से हम सीख सकते हैं, जिनके पास जो अच्छा है उससे हम ले सकते हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान, समस्या हमारी है तो समाधान भी हमें ढूंढना पड़ेगा। दूसरा, हमारे घर की समस्या का समाधान कोई दूसरा नहीं कर सकता। अगर हमारे घर में कुछ दिक्कत है तो उसको ठीक हमें करना पड़ेगा। हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो ठीक होगा। समय लगेगा, कभी कम लगेगा, कभी ज़्यादा लगेगा, लेकिन ठीक होने में मुझे कोई संदेह मेरे मन में नहीं है। जी बिल्कुल, भारत ने ये साबित कर दिया था कोविड के पीरियड में कि मैं विश्व गुरु बनने का हर वो कैपेसिटी रखता हूँ कि पूरी दुनिया को वैक्सीन ही नहीं, आइडिया और टेक्नोलॉजी भी दे सकता हूँ। भारत ने साबित किया था। और एक आखिरी सवाल मैं वैभव जी से ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि ये युवाओं के एक इंस्पिरेशन के कारण भी हैं और युवाओं के एक बहुत बड़ा संबल प्रदाता भी हैं, तो मैं इनसे कहना चाहूँगा कि युवाओं का ये देश भारत को, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस देश में कि जिससे युवा उठे, जगे और माँ भारती की सेवा में अपने आप को खपा सके, उसमें लगा सके। देखिए, सदियों से, केवल आज नहीं, हमारे इतिहास गवाह है, हमारे जितने राष्ट्रपुरुष हुए हैं अपने युवा काल में, छत्रपति शिवाजी महाराज ने 16वें साल में स्वराज्य की शपथ ली थी, वो 16 साल के थे। 16वें साल में उन्होंने अपने मित्रों के साथ जाकर शपथ ली, रोहिणेश्वर मंदिर में अपनी उंगली काटकर रक्ताभिषेक किया महादेव की मंदिर में, और कहा कि मैं इस देश में स्वराज्य की स्थापना करूंगा, हिंदवी राज्य की स्थापना करूंगा। वहां से लेकर तो आज हमारे देश में छोटे छोटे डिजिटल सर्विस देने वाले हमारे युवा, आईटी में काम करने वाले लोग हो, हमारे डॉक्टर्स हो, हमारे नर्सेस हो, हमारे ड्राइवर्स हो, हमारे इंजीनियर्स हो,
आप बताइए, कोविड के समय ऑक्सीजन ले जाने वाले हमारे ड्राइवर्स थे, वो युवा ड्राइवर्स थे, शायद समाज की रचना में किसी ने महसूस भी नहीं किया होगा, लेकिन दिन रात उन्होंने काम किया। समय की कमी थी तो ड्राइवर्स दो दो लोग जाते थे, एक सोता था, एक काम करता था। अब मुझे बताइए उनका योगदान कितना बड़ा है। ऐसे हर, मैं केवल दो बातें कहना चाहूँगा, हर योगदान, हर किसी का योगदान दिखने में चाहे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे किसी बड़े इंजन में एक छोटा सा नट बोल्ट भी अगर रुक जाता है तो पूरा इंजन रुक सकता है, वैसे ही देश में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति का योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है। दूसरा, हमारे देश के युवाओं में शक्ति है, आवश्यकता है उन्होंने अपने आप पर विश्वास करने की, उन्होंने अपने आप को विश्व स्तर पर कंपटीशन के लिए मानसिक रूप से, स्किल की दृष्टि से, आवश्यकताओं की दृष्टि से, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से तैयार करने की। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये त्रिसूत्री जब तक हमारे देश का युवा अपनाता नहीं है, इस देश में आर्थिक दृष्टि से हम दुनिया में महासत्ता बनने के लिए वही एक सूत्र है। जब तक हम इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी को अपनाते नहीं है, तब तक हमारा देश आर्थिक महासत्ता नहीं बन पाएगा। और खुशी की बात है कि हमारे देश के युवा बहुत तेज़ी से आज अपना रहे। आज दुनिया भर की छोटी छोटी स्टार्टअप, आज इंडिया में 100 से बड़े यूनिकॉर्न हो गए, दुनिया में कहीं नहीं है। आप बताइए कितनी सुविधाएं हो गई, चाहे वो मेक माई ट्रिप जैसी सुविधा हो, बुक माई शो ट्रिप जैसी सुविधा हो, ओयो रूम्स जैसी सुविधा हो, पेटीएम जैसी सुविधा हो। आज आप दुनिया में कहीं भी, आज आप दुनिया में देश में कहीं भी जाइए, नारियल का खरीदिए, नारियल पानी पीने के लिए, वहाँ भी आप पेटीएम से पैसे पे कर सकते हैं, ऑनलाइन पैसे पे कर सकते हैं, यूपीआई से पैसे पे कर सकते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस हमारे युवाओं ने दिया है, इसलिए युवाओं में ज़बरदस्त क्षमता है। इसलिए इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस करके अगर हमारे देश का युवा देश के विकास में कंट्रीब्यूट करने का पैशन मन में ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है, और हमें आर्थिक महासत्ता बनाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। महबूब जी ने बहुत सुंदर बात कही कि युवाओं ने अगर ये ठान लिया, वो एक संकल्प ले लिया कि हमें अपने आप को साबित करके दिखाना है कि हम भारत के युवा हैं, तो उन्हें दुनिया में कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से धन्यवाद।